दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन को कस्टमाइज नहीं करते, जिनकी वजह से हमारा मोबाइल काफी ज्यादा सिंपल और बोरिंग सा लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड के 5 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने मोबाइल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके साथ ही ये एप्लीकेशन आपके कामों को मोबाइल में और ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन कौन से हैं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं विनोद सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी के अंचल में। तो ये एप्लीकेशन कौन से हैं, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे एप्लीकेशन को आप हमारे ब्लॉग से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन से हैं और इनका बेसिकली क्या यूज है। तो बहुत से लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन को कस्टमाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में जब वो अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो वहां पर आपको एक बोरिंग सा स्क्रीन दिखाई देता है। तो ऐसे में आप स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है Always on AMOLED। इस एप्लीकेशन को आप Google Play Store से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसे डाउनलोड कर ले तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ ऊपर की साइड एक इनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे आप इस फीचर को इनेबल कर लेते हैं तो आपके स्क्रीन में एक बहुत ही अट्रैक्टिव वॉच यानी घड़ी दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन जिसका नाम है इजी स्वैप एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल में जितने भी नए एप्लीकेशन या फिर रिसेंट एप्लीकेशन है उन्हें आसानी से एक स्वैप करके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 फीचर मिलते हैं, एक है न्यू, एक है रिसेंट और एक है टूल बॉक्स, जिसकी मदद आप अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में टॉर्च को इनेबल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको Google Play Store में मिल जाएगा और ये फ्री है। तो अगला एप्लीकेशन जिसका नाम है सुपर स्टेटस बार एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार को चेंज कर सकते हैं। बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ से इसे एक्टिवेट कर लेना है। जैसे आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं जो स्टेटस बार है वो चेंज हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप आसानी से अपने मोबाइल के स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्लोटिंग ऐप। इस एप्लीकेशन को आप Google Play Store से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको फ्री और पेड दोनों वर्जन में मिल जाएगा। यदि आप इस एप्लीकेशन का फ्री वर्जन यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड दिखाई देंगे, और यदि आप इसका पेड वर्जन यूज करते हैं तो आपको कोई ऐड नहीं दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल में मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते आप कोई कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो, आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं छोटे विंडो में। अगर आप पेंट यूज करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पे सिंपल से फ्लोटिंग स्क्रीन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप आसानी से पेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आप दूसरे एप्लीकेशन को यूज करते वक्त आसानी से इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन है। अगला ऐप जिसका नाम है जेस्चर लॉक स्क्रीन। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन को जेस्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल में जेस्चर लॉक स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो बस आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहाँ पर अपना जेस्चर क्रिएट करना है जिससे आप अपने फोन को अनलॉक करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिकवरी पासवर्ड सेट करना है। यदि आप अपना बाद में कोई जेस्चर लॉक स्क्रीन भूल जाते हैं तो आप आसानी से यहाँ से इसे अनलॉक कर सकते हैं इस पिन कोड की मदद से। तो बस आपको क्या करना है, तो जैसे आप जेस्चर को सेट कर देते हैं उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखिए आपके मोबाइल में जेस्चर लॉक लग जाएगा और आप अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर आपको वो जेस्चर क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप कोई और दूसरा जेस्चर क्रिएट करते हैं तो ये मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर अपना जेस्चर डालना है। जैसे आप अपना जेस्चर डालेंगे तो ये फोन आपका अनलॉक हो जाएगा। यदि बाद में आप जेस्चर भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे जो पासवर्ड है वो डाल सकते हैं और अपने मोबाइल को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक प्रीटी एप्लीकेशन है जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, ये थे एंड्रॉइड के 5 ऐसे एप्लीकेशन जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। और आपको मुझे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आपको क्वेश्चन मेरे ट्विटर में भी ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।